I got broads in Atlanta. Switch to the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल. आप देख रहे हैं आरसी व्लॉग्स. तो आज हम निकले हैं अपने ट्रैवल, आज हम करेंगे अपने ट्रैवलिंग, वो भी अपने भाइयों के साथ करेंगे. और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 11:20, हम निकले हैं रात के समय और हम जाएंगे अपना कसोल, कसोल से मनाली, फिर सोलांग, फिर रोहतांग. तो फिर इसके कम से कम 3-4 पार्ट आए जाएंगे ट्रैवलिंग व्लॉग के. तो अभी मैं अपने भाइयों के साथ कराता हूँ आपको इंट्रो, ठीक है. ये मेरा भाई राम राम भाई, ये देव राजपूत, और ये मेरे दो भाई, ये मोनी ठाकुर और ये विपुल ठाकुर. जय श्री राम. तो ये आए हैं मेरे को लेने पलवल से गुड़गांव. अब हम यहाँ से जाएंगे गुड़गांव से कसोल नॉन स्टॉप. अब हमारा पहला स्टे होगा, हमारा कसोल में पहला हमारा होगा पहला स्टे. तो इंट्रो मैंने आपको सबका करा दिया, ये मेरे चारों भाई जा रहे हैं मेरे साथ. तो अभी हम चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं. और सबसे बड़ी बात ये बताऊँ इसमें क्या है इस ट्रैवलिंग व्लॉग में, कि हम जा रहे हैं अपनी बड़ी गाड़ी एक्सयूवी से. तो भाई बड़ी गाड़ी में ना हिमालय में लेके जाना एक नंबर का मज़ा अलग ही है, क्योंकि उसमें है सनरूफ है. इसमें अपना बाहर अपना हिमाचल में जाके पहाड़ों में अपना यहाँ सनरूफ से बाहर निकलेंगे, अपना मस्त वीडियो बनाएंगे, आपको भी दिखाएंगे. तो अभी फिलहाल निकलते कसोल की तरफ चल रहे हैं हम, आपको भी दिखाते हैं, मिलते हैं सीधा रोड पर, ठीक है. अभी हम रुके अपनी गाड़ी में हवा भरने हाँ सॉरी. तो हवा भरने वाला तो है नहीं, तो भाई खुद ही भर रहा है, इसको सब पता है ना. मशीन में ये हमारा भाई भर रहा है. और गाड़ी दिखाता हूँ, हमारी गाड़ी, ये हमारी गाड़ी धन्नो. इस टाइम जाएंगे हिमाचल, है ना भाई, हिमाचल जाएंगे. तो अभी मैं और भाई आगे बैठ के बात कर रहे थे कि मतलब वहाँ पे हिमाचल प्रदेश का क्या सीन है, ठीक है. तो भाई ने सारी जानकारी वगैरह निकाली है, तो भाई पता क्या क्या सीन है वहाँ पे. भाई बर्फ पड़ रही है एक नंबर वाली, ठीक है. आज 2 बजे से 3 बजे तक स्नोफॉल हुआ है एक नंबर, और इसीलिए आज हम निकले हैं. कल हम जाएंगे तो बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, और जहाँ तक पॉसिबल होगा कि स्नोफॉल हमारे होते हुए जब हम होंगे कसोल में मनाली में तो होगा. आज माल रोड तक बर्फ पड़ी है, बाकी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को भी हम बर्फ दिखा सकें. तो जैसे भाई ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अगर बर्फ पड़ रही हो तो आपको भी दिखाएंगे. आप भी दुआ करो, हम भी दुआ करते कि वहाँ बर्फ मिले, ठीक है. और मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त वगैरह जो बहन है ना, वो खासकर तो रोहित, रोहन और यामिनी, ये दो मेरे दोस्त हैं और एक मेरी बहन है, ये पक्का चलेगी मेरे से. अभी मैं कुछ जा रहा हूँ ना स्टोरी वगैरह की, मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, पक्का रिप्लाई आ जाएगा, बेशक तो शायद गाली आ जाएगी मेरे को शायद से. तो वो तो शायद जली रहे होंगे बढ़िया. भाई हम रुके हैं ढाबे पे, हमें लग गई प्यास, जो बात है. हमारे पास पानी की बोतल खत्म हो गई थी, तो हम पानी की बोतल लेने रुके हैं, और यहाँ पे कुछ भाई खाने पीने का सामान ले रहा है. ले भाई बर्फी खा लो. तो भाई अब हम यहाँ रुके हैं नीलकंठ ढाबा, ठीक है. पानी वानी पी लें, लंबा सफर है. राहुल भाई फुल टसन में धुआं पाड़ रखे हैं जाने में.
रेडबुल खत्म होगी भैया की, और नहीं कुछ भी और क्या क्या आप जो सामने देखते हो भीतर बड़े दादा माउंटेन ड्यू सब रही लग रही है। हम सस्ता जूस पिएगा रियल का ऐसे डोल रहा जैसे बारात में आए हो। देख तो सही पेंटा ले भाई, बट रहे हैं या कहीं बट रहे हैं चिप्स कुरकुरे भाई ना कोरिया तो नहीं भर रखे हैं तो बट रहे हो तेरी गल है। देवराज देवराज राजपूत सुना क्या हाल है तेरे भाई, मूछ कैसे नीचे होगी तेरी, ऊपर कर इन्हें चल ऊपर कर करिए ये बात अभी बता कहाँ खाएगा गाड़ी धर चल। हेलो गाइस समझा पीलो भाई अब 5 बज रहे और हम ना यहाँ पे खड़े हरियाणा के बॉर्डर पे, कैसे लग रहा है भाई? भाई बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, थक गए। तो भाई हरियाणा के बॉर्डर पे अगर मतलब कि रुकना तो बनता ही है थोड़ी देर, थोड़ी फोटो वोटो खींचेंगे, लेकिन यार ठंड हो रही है, ठंड लग रही नहीं लग रही है? ठंड लग रही है यहाँ पे ट्रक सारे बहुत है यहाँ पे, तो यहाँ पे फोटो वोटो खींचते हैं फिर चलते हैं आगे। अभी तो भाई बहुत दूर है, कल पहुँचेंगे शाम को 4-5 बजे तक। ठंड तो यार बहुत दूर है ना, हाँ फोटो वोटो खिंचवाते हैं फिर चलते हैं। टाइम हो रहा है 11:30 और हम रुके हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे मुआद धोने के लिए, और हम आपको अपने ड्राइवर से मिलवाते हैं। ठीक है, ये अपना ड्राइवर, कैसा लग रहा है आपको? श्री राम भाइयों, कैसा लग रहा है आपको पहाड़ों पे गाड़ी चला के? भाई कोई पहली बार तुम गाड़ी पहाड़ों पे चला नहीं रहा, जैसा हर बार फील होता है वैसा ही हो रहा है। मजा आ रहा है? मजा ऐसे नहीं आता, मजा वैसे आता है। तो अभी यहाँ से कसोल है 3-3.5 घंटे की दूरी पे, और भाई लगातार चल ही रहे हैं, तो लगातार चल ही रहे हैं। अब भाई गया अपने मुँह धोने के, फिर वो आएगा, फिर हम चलते हैं सारे, लेकिन भाई रुकना तो कसोल में जाके ही है ना, कसोल जाके रुकेगी गाड़ी। अब कसोल 2 घंटे में अब पहुँच गए कसोल, बस थोड़ी देर की बात है, चलते हैं।
मैं देख ही ना रहा, मैं बस वीडियो वीडियो बना रहा हूँ भाई। यार हम थे गहराई और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में भाई 200 रुपए ज्यादा ले ले, मत नीचे उतार दे भाई, अब ना उतारू धन्यवाद तेरो मैप, तूने घनी पर पहुंचा दियो। हम 15-16 घंटे बाद अपना कसोल पहुंच गए, आखिरकार कसोल पहुंच गए हम। तो कैसा लग रहा था तेरे को भाई? एक नंबर स्वाद आ रहा है, भयंकर ठंड हो रही है। तो ये तो पिछले साल भी आया था ना, तो ये भी भाई, भाई जब तो बर्फ ही तब इतनी बर्फ नहीं है। जनवरी में आया था ये भाई और ये और एक और आए थे वो, तब जनवरी में आए थे भाई, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ थी इस। अब है नहीं यार, चलो कोई नहीं, कल जाएंगे। ओ सलोंग वैली है ना, सलोंग वैली है, तो फिर कल वहाँ जाएंगे। वहाँ तो बर्फ़ मिलेगी, भाई कह रहे हैं बर्फ़ मिलेगी। तो अभी होटल देखेंगे भाई, मेरे को तो बहुत ही नींद आ रही है, मैं सोया नहीं हूँ बस भाई। गाड़ी ऐसे चल रही थी कि मतलब कि यार नींद ही नहीं आ सकती ऐसे रोडों पे। और जो ऐसे रोड आए थे ना भाई, ऐसे रोड मैंने पहली बार ही देखे हैं सही में। तो मेरी तो भाई हालत टाइट हो गई थी, मेरे से ना फ़ोन नहीं निकल रहा था कि मैं ब्लॉग बना सकूं, इतनी मेरी फटी फटी थी। तो अभी होटल वोटल देखते हैं हम। अपने सब रूम वगैरह में आ गए, हमने रूम वूम ले लिया, अब को अपना रूम दिखाता हूँ। थोड़ा फैल रखा तो फिर बोलना मत, ठीक है? ये छोटा सा रूम, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके पीछे बाथरूम है और ये सारा लकड़ी का है ना, और ये सारा लकड़ी का बना हुआ है, तो इसलिए थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो पत्रो कैसा लग रहा रूम? भाई बढ़िया है। तो अपना रूम वगैरह सब आ ले गया भाई, मोनी भाई बाहर जा रखा है किसी काम से। तो फिर ये व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में शायद से सोलांग वैली जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ़ मिली नहीं। सोलांग वैली में भाई कह रहे हैं कि सोलांग वैली में पक्का बर्फ़ मिलेगी, तो कल जाएंगे तो फिर आपको भी दिखाएंगे। तो आप अगला व्लॉग देखना ना बोलना, ठीक है? टिल देन बाय।